Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 2 of practice set 3.5 of lesson 3 polynomials of standard 9th algebra. Ab dekho, ye part 2 jo hai practice set 3.5 ka, it is based on remainder theorem. Ab dekho, humne division of polynomials dekha hai. Practice set 3.2 mein humne actual division dekha. Direct divide karte the hum, quotient aur remainder hume milta tha. बाद में प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमने दो टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स देखा. एक था सिंथेटिक डिवीजन और एक लीनियर डिवीजन, और दोनों में ही हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर मिलते थे. अब एक और टाइप ऑफ डिवीजन देखना है, रिमाइंडर थ्योरम. अब इसमें सिर्फ रिमाइंडर मिलेगा हमें, ओके, क्वोशेंट नहीं मिलेगा. डिवाइड एक्स रेज टू 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x बाय x प्लस 3. इस पॉलीनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ओके. अब वो डिवीजन आप तीन अलग अलग मेथड से आप देख चुके हो, एक्चुअल डिवीजन 3.2 में और 3.3 में सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर डिवीजन. पर यहां पर क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है. फाइंड द रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है बाय रिमाइंडर थ्योरम. अब ये रिमाइंडर थ्योरम मेथड में होता क्या है, देखो. अब ये आपका डिविडेंड पॉलीनोमियल हो गया, डिविडेंड पॉलिनोमियल है आपका px इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4x. ये आपका डिविडेंड हो गया. डिवाइजर इज x प्लस 3. सो x प्लस 3 है, जैसे आप सिंथेटिक डिवीजन में इसका अपोजिट लेते थे, ओके. सो वैसे ही अपोजिट ऑफ 3 इज माइनस 3. अपोजिट ऑफ 3 इज माइनस 3. सो टेक एक्स इक्वल टू माइनस 3, बराबर है. अब देखो, पी एक्स इज एक्स रेज टू 4 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4x. सो देयर फॉर पी ऑफ माइनस 3 क्या होगा, ये एक्स की जगह माइनस 3 रेज टू 4, ये माइनस 5 एक्स की जगह माइनस 3 का स्क्वायर, और ये x की जगह फिर से माइनस 3. माइनस रेस टू 4 इज प्लस, 3 रेस टू 4 इज 81, ये माइनस 5, माइनस का स्क्वायर प्लस, 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस इनटू माइनस प्लस. सो दिस इज 81 माइनस 5 9 इज 45 प्लस 12. अब देखो, 81 प्लस 12 इज नथिंग बट 93. 93 माइनस 45 इज 48. सो आपका p ऑफ माइनस 3 क्या आया, 48. सो ये आपका रिमाइंडर है. देयरफॉर 48 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस x रेज टू 4 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4x इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3. सो देखो, ये जो रिमाइंडर थ्योरम मेथड है, इससे आपको सिर्फ रिमाइंडर मिलेगा, बराबर है. ये भी टाइप ऑफ डिवीजन है, जैसे हमने एक्चुअल डिवीजन देखा, सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर डिवीजन देखा, पर उनमें क्वोशेंट भी मिलता था रिमाइंडर के साथ. पर ये जो रिमाइंडर थ्योरम मेथड है, ये भी एक टाइप ऑफ डिवीजन है, पर इसमें सिर्फ रिमाइंडर मिलेगा. क्या करना होता है, आपका डिविडेंड पॉलीनोमियल आप लिखो, और डिवाइजर क्या है, एक्स प्लस 3. सो ऑपोजिट ऑफ 3 इज माइनस 3, तो टेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 3. अब एक्स के जगह माइनस 3 पुट करो डिविडेंड पॉलीनोमियल में, और जो वैल्यू आएगा आपका वो रहेगा रिमाइंडर, ओके. सॉल्व एग्जांपल देखो, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम डिवाइड द पॉलीनोमियल x³ - 2x² - 4x - 1 बाय x - 1 एंड फाइंड द रिमाइंडर. देखो, जैसा हम पिछले समय में देख चुके हैं, डिविडेंड पॉलीनोमियल क्या होगा, इट इज px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. डिवाइजर इज x माइनस 1. सो अपोजिट ऑफ माइनस 1 इज 1. सो टेक x इक्वल टू 1. टेक x इक्वल टू 1. अब देखो, px क्या है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. x के जगह 1 डाल दो, तो p ऑफ 1 इज 1 का क्यूब
माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस वन, वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, फोर वन जा फोर माइनस वन, दिस इज वन माइनस टू माइनस फोर माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, माइनस टू माइनस फोर इज माइनस सिक्स, सो पी ऑफ वन इज सिक्स. ओके, सो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू वन इज माइनस सिक्स, और हमारा डिवाइजर क्या था, x माइनस वन. अब ये जो वैल्यू आई है माइनस सिक्स, दिस इज एक्चुअली रिमाइंडर. ओके, देयरफॉर रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस सिक्स. देखो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल जैसा ही है थोड़ा, पर इसमें डिफरेंस ये है कि आप रिमाइंडर कब पूछा जाएगा आपको, जब आपको डिवाइजर दिया जाएगा. जैसे यहां पे बोला है कि इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर क्या है, x माइनस वन, सो x के जगह वन पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल. और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहता है, आप पी ऑफ टू भी निकाल सकते हो, पी ऑफ जीरो निकाल सकते हो, पी ऑफ एनी रियल नंबर निकाल सकते हो, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. लेकिन रिमाइंडर के लिए आपको क्या लगेगा, डिवाइजर. ओके, थर्ड सॉर्ट एग्जाम्पल देखो. इफ द पॉलिनोमियल टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस फिफ्टी इज डिवाइडेड बाय टी माइनस थ्री, द रिमाइंडर इज 62. रिमाइंडर यहाँ पे दे दिया, डिवाइजर है आपका टी माइनस थ्री और रिमाइंडर भी बता दिया है, तो फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के. अब देखो डिविडेंड पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ टी आएगा यहां पर क्योंकि टी वेरिएबल है, सो पी ऑफ टी इज टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस फिफ्टी. अब देखो डिवाइजर इज टी माइनस थ्री, अपोजिट ऑफ माइनस थ्री इज थ्री, सो टेक टी इज इक्वल टू थ्री. अब पी ऑफ टी क्या है आपका, टी क्यूब माइनस थ्री टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस फिफ्टी, तो पी ऑफ थ्री निकालो, टी के जगह थ्री का क्यूब, ये थ्री के जगह सॉरी टी के जगह थ्री का स्क्वायर प्लस के टी प्लस फिफ्टी, थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन, थ्री का स्क्वायर नाइन, दिस इज ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन प्लस के टी प्लस फिफ्टी, सो फाइनली दिस पी थ्री इज इक्वल टू के टी प्लस फिफ्टी. यह आया आपका पी ऑफ थ्री, बराबर है. अब रिमाइंडर इज 62, रिमाइंडर इज 62, दिस इज गिवन, रिमाइंडर इज 62 मतलब दैट इज पी ऑफ थ्री 62. ओके, सो फ्रॉम वन एंड टू, वन में है पी ऑफ थ्री इज के टी प्लस फिफ्टी और टू में पी ऑफ थ्री 62, सो फ्रॉम वन एंड टू के टी प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू 62, सो दिस के टी इज 62 माइनस फिफ्टी, सो के टी इज, अब आप देखो सॉरी यहां पर टी के जगह मैं थ्री पुट करना भूल गया हूं, वो आप पुट करो तो ये 3k होगा. ओके, दिस विल बी 3k अगेन, ओके हाँ, सो दिस 3k इज 12 एंड k इज 12 बाय 3, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4. ओके, अब देखो हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स देख चुके हैं, अब प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रैक्टिस सेट 3.5 का, वो हम सीख चुके हैं पार्ट 1 में, और वो जो क्वेश्चंस थे पर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, और ये जो पार्ट 2 है इसमें जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं दे आर रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम. ओके, सो पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 3.5 का रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम इस क्वेश्चन नंबर 5. Divide the first polynomial by the second polynomial and find the remainder using remainder theorem. अब हम इससे related solved examples देख चुके हैं, बराबर है. तो ये first और third sum आपको करना है, मैं explain कर दे रहा हूं. आप इसको dividend polynomial लोगे, x plus 1 divisor है आपका, okay? 1 का opposite minus 1,
ओके तो आप पी ऑफ माइनस वन निकालोगे तो रिमाइंडर मिलेगा पहले सम के लिए। और थर्ड सम के लिए देखो ये आपका डिविडेंड पॉलिनोमियल डिवाइजर m माइनस थ्री है, माइनस थ्री का अपोजिट थ्री है, तो टेक m इज इक्वल टू थ्री, मतलब m के जगह थ्री पुट करोगे आप, पी ऑफ थ्री निकालोगे तो जो वैल्यू आएगा दैट विल बी रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं आपको सेकेंड सम करवा रहा हूं, प्रोसेस सेम रहेगी, डिविडेंड पॉलिनोमियल देखो कौन सा है, P ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल x है, इट इज 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस a, दिस इज डिविडेंड पॉलिनोमियल। ओके डिवाइजर इज x माइनस a, अपोजिट ऑफ माइनस ए इज a, माइनस a का अपोजिट क्या है a, सो टेक x इक्वल टू ए। अब पी एक्स क्या है आपका, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए, अब x की जगह ए पुट करो, सो पी ऑफ ए इज टू, x की जगह ए पुट करो, इधर x की जगह ए पुट करो, इधर x की जगह ए पुट करो माइनस ए, नाउ सी दिस इज टू ए क्यूब माइनस 2a square plus a into a square minus a, so this will be 2a cube minus 2a square plus a square is minus a square minus a, so this is your final answer, ये आ गया आपका remainder, therefore the remainder is टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस a, okay? If the polynomial y cube minus 5y square plus 7y plus n is divided by y plus 2, divisor of y plus 2, the remainder is 50, remainder भी दे दिया है, और find करना value of n, ये solved example 3 जैसा है, बराबर है, देखो the dividend polynomial is p of y is y cube minus 5y square plus 7y plus n, okay? अब देखो divisor is y plus 2, opposite of plus 2 of plus 2 is minus 2, okay? So take y is equal to minus 2. अब देखो p of y क्या है, y cube माइनस फाइव वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस एन, सो पी ऑफ माइनस टू, वाई की जगह माइनस टू, तो माइनस टू का क्यूब माइनस टू का स्क्वायर सेवन इंटू माइनस टू प्लस एन, सो दिस विल बी माइनस का क्यूब माइनस टू का क्यूब एट, माइनस फाइव माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, और प्लस इंटू माइनस माइनस सेवन टू जो फोर्टीन, दिस इज माइनस एट माइनस ट्वेंटी माइनस फोर्टीन प्लस एन। अब देखो माइनस एट माइनस ट्वेंटी इज माइनस ट्वेंटी एट, माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस की, एंड देन माइनस ट्वेंटी एट माइनस फोर्टीन, सो दैट विल बी माइनस फोर्टी टू, सो यह आपका पी ऑफ माइनस टू, द रिमाइंडर इज फिफ्टी, दिस इज गिवन, रिमाइंडर 50 है, मतलब p ऑफ माइनस टू इज 50, सो फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस 42 प्लस m इज 50, देयरफॉर m इज 50 प्लस 42, सो m इज 92, ओके? सम नंबर 10 देखो, इफ x रेस टू 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन फाइंड द रिमाइंडर। जब भी रिमाइंडर फाइंड करने को बोला तो हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड यूज करेंगे, ओके? अब डायरेक्टली सम नंबर 10 क्यों लिया है सम नंबर 6 के बाद, बिकॉज सम नंबर 7, 8 और 9 फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है, ओके? जो हम अगले पार्ट में सीखेंगे। अब देखो यहां पर डिविडेंड पॉलिनोमियल क्या है,
it is p of x is equal to x raised to 31 plus 31. This is dividend polynomial. Divisor is x plus 1, opposite of plus 1 is minus 1. Take x equal to minus 1. Okay? अब देखो p of x है x raised to 31 plus 31, p of minus 1 is minus 1 raised to 31 plus 31, minus raised to any odd power is minus, और 1 raised to any number is 1, so this is minus 1 plus 31 which is 30, so the remainder is 30. Okay?